मध्य प्रदेश में सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश भर में 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से शासकीय उचित मूल्य की दुकानें और सहकारिता समिति बंद पड़ी हुई है। वहीं हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने बताया है कि जब पूरे देश में कोरोना बीमारी की महामारी चल रही थी, ऐसे में दिन रात सहकारिता समिति के कर्मचारियों ने खाद्य सामग्री वितरित की है और अपनी जान की परवाह भी नहीं की है। इसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि मांगों पर जल्द सरकार से निर्णय नहीं लिया गया तो 18 फरवरी को हजारों कर्मचारी भोपाल पहुंचकर सीएम का घेराव कर सामूहिक इस्तीफा देंगे। वहीं 19 फरवरी को भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर चक्का जाम कर इच्छा मृत्यु की मांग की जाएगी। साथ ही मांग पूरी न होने पर कर्मचारियों ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। आह्वान पर 4 तारीख से आज शायद ये हमारा 14 दिन है और इसके बाद जो है 18 तारीख को भोपाल पहुंचकर सामूहिक रूप से इस्तीफा देने वाले हैं और जो भी महासंघ का हमारे निर्णय होगा आत्मदाह भी करने का प्रयास है। इच्छा मृत्यु की मांग भी हम लोग कर रहे हैं। जब शासन हम लोगों की मांग नहीं मान रही है, हम लोगों को किसी विभाग का कर्मचारी नहीं मान रही है तो हम लोग करेंगे क्या काम करके। कितने दिनों से हड़ताल पे हैं आप लोग? हम लोग आज 14वां दिन है, 13वां दिन है। 4 तारीख से निरंतर पूरे प्रदेश में हमारी हड़ताल चल रही है। अगर शासन हमारी बात नहीं मानती तो 18 तारीख को भोपाल में सामूहिक 55,000 कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा देंगे। इसके बाद हम लोग चक्का जाम करेंगे, मुख्यमंत्री घर का घेराव करेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग की मांग है नियमितीकरण। हम लोग आज तक सरकार हम लोग को कुछ नहीं मानती, कोई कर्मचारी नहीं मान रही। हम लोग 20, 25, 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि हमें शासकीय कर्मचारी की तरह